कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए थे। अगर श्री राम जी की बात करें तो वो भी 14 साल का वनवास काट कर आए थे। तो कैरेक्टर तो आपको थोड़े टाइम में आने के बाद पता चल ही जाएगा, टाइम टू टाइम उनका सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लोगों से जान रहे हैं कि उनका क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा के बारे में। 3-4 साल हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा अब समाज में नहीं हैं, इन लोगों के बीच में नहीं हैं। अब पब्लिक का उनके बारे में क्या रिएक्शन है, क्या सोसाइटी के बारे में पब्लिक का मानना है, ये आपको सीधी बातचीत दिखाएंगे। हमारे साथ राहुल सचदेवा जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। राहुल जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। जी धन्यवाद। राहुल जी, क्या प्रोफेशन है आपका? मेरा, मैं फ्रीलांसर हूँ जी। राहुल जी, क्या लगता है आपको, आजकल हम जैसे समाज की बात करें सबसे पहले आपसे, तो समाज में आजकल किस तरीके का माहौल चल रहा है? समाज में जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना पैंडमिक, जो कि हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं, चल रहा है। और अगर देखा जाए तो समाज में अगर इसका थोड़ा हम इसको रिवाइंड करें तो अगर देखें कि ये कोरोना काल किस लिए आया है, ये हमने अगर कुदरत के साथ छेड़खानी की है, जैसे कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता लगाया कि ये कोरोना किस वजह से आया, ये मतलब कुछ मास की वजह से आया या हमने कुछ उनके साथ कुदरत के साथ छेड़खानी की, तो बस उसी का फल हम ये भुगत रहे हैं आज के टाइम पे। सर, आए दिन हम देखते हैं ऐसे केसेस सामने आते हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है, इसका बेसिक रीज़न आपको क्या लगता है? ये अगर देखा जाए तो यही एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर हम कुछ गलत खाएंगे तो हमारे अंदर वो नेगेटिविटी आएगी, तो उस नेगेटिविटी की वजह से ही हम ये कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर लेके आते हैं और उसके बाद उन्हीं के ऊपर हम चलते हैं। अगर हम शराब की बात करें, हम शराब पीने के बाद मतलब हमारा अपने ऊपर एक कंट्रोल नहीं रहता, सो उसके बाद हम कुछ भी गलत कर देते हैं तो उसके बारे में भी हमें पता नहीं होता, और फिर जब हम कर देते हैं उसके बाद पता चलता है कि हमने ये कर दिया गलत। तो ये सब अगर थोड़ा रिलेट करके देखें उससे, तो यही एक रीज़न है। क्या लगता है आपको, मतलब किस तरीके से फिर हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा? अगर हम देखिए, जब जागो तभी सवेरा, अगर हम अभी जाग जाएं, अगर हम अपने आप को अभी सुधार लें, दूसरों में गलती निकालने की बजाय खुद में गलती निकालें, खुद में अगर हम सोचें, अगर रात में हम 5 मिनट भी बैठ के उस चीज़ को अपने आप को देखें कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस चीज़ को हम मतलब गलत तरीके से जा रहे हैं, किस चीज़ में हम गलत जा रहे हैं, तो हम अगर उस चीज़ को देखें तो अपने आप को हम अगर सुधार लेंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली, अगर एक एक बंदा अपने आप को सुधार लेगा तो पूरा समाज एक दिन जरूर सुधर जाएगा। सर, कोई आपको लगता है कोई ऐसे एनजीओ जा कोई इस तरीके से मोटिवेटर वर्क कर रहा है हमारे इंडिया में खास करके? जी, वैसे तो कई मोटिवेटर्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक डेडिकेटेड मोटिवेटर की बात बताऊं तो वो है डॉक्टर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। सो अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने, जैसा कि आपको पता ही है, सफाई अभियान जो कि मोदी जी ने तो 2014 में स्टार्ट करवाया, लेकिन उन्होंने 2011 में स्टार्ट करवा दिया था। और फिर अगर हम बेटी बचाओ की बात करें, वो भी मोदी जी ने नवंबर 2014 में स्टार्ट करवाया, लेकिन जो कि गुरु जी आज से कम नहीं तो 20 साल पहले से ये चीज़ हमें बताते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ और घर में सुख पाओ। कितने लोगों तक सर उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला होगा इस चीज़ को लेकर? ये कोई ऐसा नहीं है कि 1, 2 या 100, 1000, ये करोड़ों तक उनका एक इम्पैक्ट जो के है, मतलब आज समाज में है। सर, और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए? हमारी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए बेसिकली, जैसा कि सब लोग अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो मुझे सुन रहा है, तो मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि मोर देन 70% यहाँ पे यूथ है, तो अगर हम यूथ को सुधार दें तो आगे वाला फ्यूचर भी यूथ ही है। तो उन्होंने यूथ को ही सुधारने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जिसमें उन्होंने बताया है, यूथ को मोटिवेट किया है उनको, यूथ को, जैसा कि आप, मेरा, मैं खुद का ही एक एग्जांपल लूँगा कि अगर जिस कॉलेज में मैंने डिग्री की है वहाँ पे नशे बेचे जाते थे,
ड्रग्स लिए जाते थे और बहुत अलग अलग गलत गलत चीजें होती थी, लेकिन मैं अगर बचा रहा तो वो सिर्फ एक गुरुजी हैं कारण, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हमें एक शिक्षा ये दी है कि आप गंदगी में रहकर भी कैसे खिल सकते हो, जैसे कि कमल एक गंदगी में रहकर खिलता है, वैसे ही उन्होंने हमें वो शिक्षा दी है कि हम कैसे अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लोगों को भी सुधारने की कोशिश हम करते रहते हैं। तो हाँ जी, इसी वजह से हम आगे सुधार इसमें ला सकते हैं। सर, अगर हमारे देश की बात आती है तो सबसे पहले हमारे देश में जो सरहद पे नौजवान होते हैं, मिलिट्री हमारी होती है, उनकी बात आती है, तो उनके लिए क्या हम गुरुजी ने कुछ, मोटिवेटर जी ने कुछ सोचा है सर? गुरुजी अगर देखा जाए तो वैसे गवर्नमेंट इस चीज़ को, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग ये सच्चाई जो है आगे लेके आ रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो आज तक हम देखते आ रहे हैं अपने टीवी चैनल्स पे, तो वो लोग सिर्फ गलत पार्ट ही दिखाते हैं, किसी का अच्छा पार्ट नहीं दिखाते। अगर देखा जाए तो गुरुजी ने आज से करीबन 20 साल पहले से ही ये मुहिम चला रखी है कि यहाँ से हजारों यूनिट ब्लड वहाँ पे जो के हमारे सरहद पे जवान लड़ते हैं, उनका एक खून की बूंद भी हमारे लिए कीमती है, एक एक जवान की, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर सारी साथ संगत करोड़ों लोग इवन ब्लड डोनेट करते हैं। जी सर, हमारे जैसे नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं। हाँ जी, कभी जम्मू कश्मीर में हमारे बर्फबारी आई थी, भूचाल आया था, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मतलब हमारा पूरा देश हिल जाता है। जी, क्या इसके लिए भी कोई कंट्रीब्यूशन डेरा सच्चा सौदा के द्वारा रहता है सर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी कंट्रीब्यूशन उनका रहता है। इसमें ऐसा है कि अगर हम देखें कि जैसे भी कहीं भी भूकंप आया है, कहीं भी कोई भूचाल आया है या कहीं बाढ़ आई है, तो वहाँ पर जहाँ तक मिलिट्री के लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग एक गुरुजी ने तैयार की है, जिसमें के ग्रीनेस के सेवादारों को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे लोगों को बचाना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो वो लोग वहां पर पहुंचकर उन लोगों ने बहुत लोगों की आज तक जान बचाई है, और वहां पर जो हमारे नॉर्मल जो सेवादार हैं घर से वो खाना पैक करके ट्रक बाय ट्रक वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं, अगर बाय एयर की जरूरत है तो बाय एयर भी वहां पर खाना पहुंचाया जाता है। तो इस टाइप से डेरा सच्चा सौदा काफी आज के टाइम पे काम कर रहा है बहुत अच्छे, जो कि मैंने देखा है नॉर्मल मीडिया नहीं दिखाता इन चीजों को। सर, आपने देखा है ये फोर्स को कभी काम करते हुए? जी, इवन आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग। हाँ जी सर, कोई आपको सरकार के द्वारा पेमेंट दी जाती है, क्या रहता है आपका सिस्टम? बात तो आपकी सच है, आपने सही बोला, पेमेंट अगर हमें कुछ मिलता है तभी हम कुछ करते हैं। सो जरूरी नहीं होता कि हमें हर चीज का जो मूल है हमें वो कैश पैसा पेमेंट के रूप में ही मिले। क्या होता है कि अगर आपको छोटा सा इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसके पापा या मम्मा साइड पे खड़े हुए हैं और वो भागकर क्रॉस कर रहा है तो उसके आगे गाड़ी आ गई, गाड़ी आने से क्या हुआ, वो बच्चा उसके नीचे आने लगा तो एक अनजान आदमी ने उसकी बाजू पकड़ के उसको साइड कर लिया। तो साइड करने से क्या है, वो जो माँ बाप उसके साइड पे खड़े हैं वो उसको बोलेंगे कि अगर वो उसको जानते भी नहीं है तो वो उनकी इतनी हेल्प करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, उनको अगर वो नहीं भी जानते तब भी वो अपने घर पे लेके जाएंगे, जाके उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर फ्यूचर में भी मिलते तब भी उनकी इतना उनको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज के लिए। तो वो तो एक बच्चे की बात है, अगर हम करोड़ों लोगों के घरों को बचाते हैं, जो कि अगर हम गुरुजी की बात करें तो गुरुजी ने दिया बहुत सारे घरों का दिया जलाया है, जैसे कि मतलब बहुत सारे घर अभी नशे से उन्होंने निकाले हैं, तो अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ऐसे तो हम हेल्प करेंगे तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ छुपा के नहीं रखेगा उसके लिए तो भगवान क्या रखेगा उसमें, भगवान क्यों रखेगा हमसे कुछ छुपा के, तो वो सारी चीजें हमें खुद ब खुद ही दे देगा। सर, डेरा सच्चा सौदा का सिस्टम कैसे चलता है, कोई दान चढ़ावा लिया जाता है लोगों से?
धान चढ़ावा तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता बेसिकली। यहाँ पे मतलब खुद लोग, जैसे अगर हम डेरा सच्चा सौदा में अगर हम खुद जा रहे हैं तो वहाँ पे हम मतलब खुद के, अगर हम वहाँ पे जाके कोई सेवा भी करते हैं तो हम वहाँ पे अपने खुद के बिस्तर लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके खुद सफाई करते हैं, खुद सोते हैं। और जहाँ तक के बात है वहाँ पर खाना बनता है जो वो करोड़ों लोगों के लिए बनता है, जिसमें कि हम लोग 1 रुपया डेली का निकालते हैं, और जो के मतलब अगर 1 करोड़ सात संगत है तो डेली का 1 करोड़ रुपया हो गया। और उसमें उनको मतलब वही दीन दुखियों की मदद के लिए लगाया जाता है और इन चीजों के लिए लगाया जाता है। और बाकी बात रही, एक गुरु जी ने एक और इसमें मुहिम चला रखी है कि हम हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं, जिससे कि जो हमारा खाना बचा उसमें, सपोज हमने 100 रुपीज का हम डेली का खाना खाते हैं तो वो 100 रुपये हम उसको अपने पास अलग से रखेंगे और उस 100 रुपये को हम वहां पे जमा करवाएंगे और वो खाना गरीबों में बढ़ता है। या जो भी मतलब लोग यहाँ पे आसपास में जाकर अगर डेरे में किसी कुछ रुकते हैं तो वहां पे उनको वो खाना दिया जाता है। सर, डेरा सच्चा सौदा का माहौल कैसा है? डेरा सच्चा सौदा का माहौल जैसा कि मीडिया में कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले दिखाया गया, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मेरी वाइफ इवन वहाँ पे, उन्होंने कॉलेज में वो रहे हैं 5 से 6 साल, वो भी रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने डिग्री की है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। तो जहाँ तक उन्होंने बताया, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार सुनते कुछ हैं तो हमें दिखता कुछ है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको एक करीबी बंदा जो आपके बिल्कुल पास में है, अगर वो आपको बिल्कुल डिटेल बताए तो वो ज़्यादा हमें उस पे विश्वास आता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया, वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी है और सबके लिए वो एक सेफेस्ट प्लेस है फॉर एवर। गुरुजी का नेचर कैसा है सर? गुरुजी का नेचर तो, अगर हमारा नेचर आप लोग कहें कि अच्छा है तो बच्चों से बाप की पहचान तो की जा सकती है। सर, गुरुजी का करेक्टर कैसा है? गुरुजी का करेक्टर, करेक्टर पे तो जैसे कि अभी मीडिया ने मतलब बहुत सारे दाग लगा दिए हैं, तो उन्होंने बहुत चीज़ें गलत दिखाई हैं उनके बारे में। अगर हम लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँगा, श्री कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए थे। अगर श्री राम जी की बात करें तो वो भी 14 साल का वनवास काट कर आए थे। तो करेक्टर तो आपको थोड़े टाइम में आने के बाद पता चल ही जाएगा, टाइम टू टाइम उनका सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कि वैसे भी अगर हम थोड़ा देखें कि गुरुजी ने बहुत सारी बच्चियां हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ पे 2 लड़कियां हो गई और तीसरी और ऊपर से हो गई, तो गुरुजी ने एक मुहिम ये भी चला रखी है कि वो लड़कियों को खुद गोद लेते हैं और गोद लेने के बाद माँ बाप का नाम भी गुरुजी का ही जाता है, और गोद लेने के बाद वो उनकी परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। और वहाँ पे अराउंड 25 से 30 बच्चियाँ अभी तक वहाँ पे रह रही हैं, जिनको के शाही बेटियाँ कहा जाता है, और उनको, उनमें से कई बच्चियाँ वर्ल्ड लेवल तक गेम्स में आगे पहुँच चुकी हैं, जो कि एक सबसे बेमिसाल बात है, क्योंकि उन बच्चियों को कभी ना कभी शायद मतलब मार दिया जाना था, लेकिन वो आज देश का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आप वहाँ से करेक्टर का अपने आप जज कर सकते हैं। जी सर, एक तरफ आप उनके कार्य बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मीडिया में ऐसा दिखाया गया था, लेकिन सर उनके ऊपर और भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्यों? मतलब उन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए क्या होता है कि अगर कोई बंदा थोड़ा अच्छा करता है ना तो बहुत लोग बुरे उठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि उनका काम बंद हो रहा है, उनका धंधा बंद हो रहा है। अगर वो चीज़ें बंद होंगी तो वो डेफिनेटली उनका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक ड्रग माफिया कह लीजिए, चाहे आप कुछ भी कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन लगा लीजिए, तो वो लोग ही हैं बेसिकली जो कि ऐसा कुछ। ये वैसे भी ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं कुछ मतलब किसी को मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ तो वो डेफिनेटली मेरे साइड पे, वो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी और वो कभी ना कभी मेरे पे टारगेट जरूर करेगा। तो गुरुजी तो करोड़ों लोगों का भला कर रहे हैं, भला इन द सेंस मतलब जो गलत लोग हैं वो उनका थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि जैसे शराब की दुकानें कई जगह पे बंद हो गई, तो
उनके बिजनेस ठप हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ें अभी बताने की तो मेरे हिसाब से ज़रूरत है ही नहीं इनको क्लियर करने की, ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही हैं कि कौन है इसके पीछे। सोसाइटी को नीड है सर आज गुरुजी की। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इवन, क्योंकि अगर हम देखें कि ये कोरोना पैंडमिक चल रहा है, तो अगर हम देखें कि लोगों को मतलब उन्होंने घर में ही जेल, मतलब एक हम अगर देखें कि गुरुजी को जेल हुई है, थोड़ा पार्ट कट कर दें, अगर हम देखें कि गुरुजी को जेल उन्होंने की है, तो उसके बाद हम लोग भी तो एक जेल में बंद है घर पे। हम आज कहाँ पे मार्केट में खुलेआम घूम सकते हैं, कहाँ पे हमारी अगर हमें कोई घर पे फंक्शन है तो वहाँ पे हम खुले से आराम से जा सकते हैं। हम भी तो घर में ही बंद है, हम भी तो एक जेल में ही बंद है। तो अगर हमें इस जेल से निकलना है, अगर हमें इस चीज से निकलना है, इस कोरोना पैंडमिक से निकलना है, तो कहीं ना कहीं आपको शायद ये चीज अभी समझ ना आए कि हमें गुरुजी की जरूरत है, तो एक टाइम कुछ ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें कि ये हमारे ऊपर और ज़्यादा हैवी हो जाए, और फिर उसके बाद हमें कुछ समझ ना आए हमारी गवर्नमेंट को, तो शायद मतलब कुछ उसमें कुछ हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें गुरुजी की कितनी ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे सर आप गवर्नमेंट से, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह जी? गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़कर सिर्फ एक यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा फैक्ट्स को समझें, आप लोग थोड़ा मतलब डिटेल में जाएं, और क्योंकि देखिए हमारे गुरुजी ने हमें भी कानून को की क्या कहते हैं कानून को पालना नहीं 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 कानून की पालना। देखिए मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गुरुजी को जैसे कि उन्होंने अभी कुछ केसेस में अंदर जेल में बंद किया हुआ है, तो आप थोड़ा फैक्ट्स में जाइए, आप थोड़ा उनकी डिटेल्स में जाइए। हमारे गुरुजी भी कानून की पालना करते हैं, इवन कि उन्होंने हमें यहाँ से जाने से पहले एक ट्वीट भी किया था जिसमें कि उन्होंने कानून की पालना में रहने के लिए हमें बोला था, और हम लोग भी करते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं और कुछ वजह हो जाती है, लेकिन हमारा बाप डेफिनेटली वो कानून की पालना करते हैं। और आप लोग फैक्ट्स में जाइए और उसके बाद थोड़ा आप डिटेल में देखिए कि इन चीज़ों को, और बाकी टाइम तो आपको पता ही है कि कैसा चल रहा है, कोरोना काल आज के टाइम पे चल रहा है, और बहुत सारी लोग परेशानियां में हैं, उनका बिजनेस बहुत लोगों का बंद होने जा रहा है, और इवन हो भी गया है, बहुत लोग भूखे भी मर रहे हैं, फिर भी हमारे गुरुजी उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमें वहाँ से मैसेज आ रहा है कि आप यहाँ पे जाइए, इनको घर की ज़रूरत है, इनको घर बना के दीजिए, इनको खाने की ज़रूरत है, यहाँ पे खाना पहुँचाइए। अगर वो वहाँ पे रहकर इतना कुछ कर सकते हैं, तो वो बाहर आकर आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा डिटेल में जाइए प्लीज़। बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वो लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, और डेरा सच्चा सौदा को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी उषा को बहुत नज़दीक से इन्होंने एनालाइज किया हुआ है। ये आपको किस तरीके से फैक्ट बता रहे हैं कि आज सोसाइटी को किस तरीके से गुरुजी की ज़रूरत है, और जितने भी एलिगेशंस हैं इनका मानना है कि वह सब झूठे हैं। दोस्तों खुले दिमाग से सोचो, आखिर ये सज़ा किसको मिल रही है, एक संत को या पूरे समाज को? खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।